मैंने उनके ब्लॉग था ना भैया की ये BMW क्योंकि हमने मुझे पता नहीं था ऑडी है ये हमने वही तो गाइस ये ऑडी गाड़ी है मैंने काफी सारे ब्लॉग में भैया को मैं देखा हूँ चलाते हुए परस भैया ये गाड़ी मेरे को चाहिए मैं बिहार लेके जाना चाहता हूँ। दोस्तों गुड इवनिंग कैसे आप लोग आशा करते बहुत ही अच्छे होंगे और आज के प्यारा ब्लॉग में आज फिर से आप लोग का स्वागत है। अभी हम यहीं पे हैं दिल्ली में पारस भैया के पास में। गुड इवनिंग भैया गुड इवनिंग। अभी कहाँ पे चल रहे भैया हम लोग? अभी मैं आपको गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ अपनी ऑडी। अच्छा ऑडी का। अच्छा अच्छा जो आपने नहीं ली थी। हाँ वो लेने आज मतलब वो थोड़ी दिक्कत आ गई थी तो ठीक कराने दी थी थोड़ी। ओके और बहुत ही अच्छा लगा भैया से मिलकर। कल वाला आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा तो एक मतलब एक बड़े भाई के प्रति जो प्यार होता है ना वो मेरे ऊपर दिखा है सीरियसली। तो ये आप लोग का प्यार है कहीं ना कहीं। तो चलते हैं अभी और ढेर सारा रील्स भी बनाएंगे भैया के साथ में। और मैं सच बताऊँ ना पारस भैया के साथ में बैठा हूँ ना तो घबरा रहा हूँ थोड़ा सा। वैसे मैं बोलता रहता हूँ ब्लॉग में कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैं क्योंकि मैं जिनको देख करके सीखा हूँ ना तो वो चीज़ें होता है थोड़ा बहुत इरिटेशन। ऐसा कुछ नहीं है अपन नॉर्मली बैठे बताओ कुछ ऐसे। जी बिल्कुल दिक्कत नहीं। अच्छा भैया मैं सोच रहा हूँ कि मैं दिल्ली में ही घर ले लूँ तो कैसा रहेगा यहाँ? बेस्ट है भाई वहाँ से तो बहुत बेस्ट है गांव से लेकर के। बिल्कुल भैया वही मैं सोच रहा हूँ भैया प्लानिंग कर रहा हूँ इस चीज़ को लेकर। टाइम पे तो निकलना ही पड़ेगा देखो। जी भैया आज नहीं तो कल। बिल्कुल भैया। और मम्मी और पापा आपके व्लॉग देखते रहते हैं और ज्यादातर पता है आपको क्या बोलते हैं मम्मी? बॉडीगार्ड। कि ऐसे मतलब बर्थडे वाला अभी आपका रिसेंटली व्लॉग आया था रील्स आया था वो चीज़ें मम्मी देखती रहती थी। मम्मी को हमने बोला कि मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए तो मैं बोले कि उनके 2 मिलियन सब्सक्राइबर है कहाँ तुमसे मिलेंगे? हमने कहा मम्मी बात होती है उनसे? ऐसा कुछ नहीं मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी बात होती है उनसे तो मैं बोले हाँ ऐसी बात है। हमने कहा हाँ ये चीज़ें क्योंकि गाँव में क्या होता है ना भैया कि कोई बड़ा चीज़ नया होता है ना तो उसके लिए यकीन नहीं करते लोग इस चीज़ को लेकर के। गांव शहर कुछ नहीं है बस दिल का अच्छा होना चाहिए इंसान। बिल्कुल भैया। तो भाई फिलहाल अभी हम दुकान पे आ चुके हैं और भैया पारस भैया की गाड़ी कौन सी है? है? यही है ना ये वाली। वाह मैंने उनके ब्लॉग भाई साहब इस पर आज ना राइड करेंगे भैया के साथ में वो पारस भैया के साथ में वो गाड़ी में बैठे हुए हैं बातचीत हो रही है। अच्छा हुआ क्या था भैया इसमें? इसका ना कर्टन लटक गया था जो छत का कर्टन होता है ना। हाँ छत का कर्टन होता है वो गर्मी के कारण लटक गया था क्योंकि अच्छा ज्यादा हीट में। जब भैया ने लिया ना तो मुझे लगा था BMW यही है। नहीं ये तो ऑडी है। हाँ, ऑडी टीटी। अच्छा नहीं उतना मैं दिखाते अंदर से दिखाते बड़े साथ ही चलोगे आप तो। अरे बिल्कुल चलिए इसका राइड करेंगे आज। वैसे भैया के ब्लॉग में मैंने चेक करा था कि ऑडी गाड़ी दिख नहीं रहा था तो हमने सोचा कि है कहाँ पे। एक्चुअली मैं जब यहाँ पहुँचा ना तो ये परेशानी थी। अभी ठीक है भैया? चेक कर लिया आपने? कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया। मैं तो कब से सोच रहा था कि मैं आऊँ यहाँ पे आराम से ब्लॉग बनाऊँ सभी लोगों को दिखाऊँ इस चीज़ को। और यहाँ पे लिखा हुआ है द पारस भैया ब्लॉग का सामान पड़ा था। ये देखो जैसे हमारा स्कूटी पे लगा हुआ रहता है। चीकू नाम है आपका? क्या नाम है? टमाटर। ये हमने ब्लॉग में देखी थी जब आपने बोला था। हमें ऐसा लग रहा था ना भैया कि ये BMW क्योंकि हमने मुझे पता नहीं था ऑडी है ये। हमने वही समझ रखा था। हमने सोचा भैया के साथ में मैं जाऊंगा तो रील वील बढ़िया सेट करके बनाऊंगा पूरा दिन। कोई दिक्कत नहीं है। बस लग रही बहुत बढ़िया लग रही। अभी अंदर मैं चल के मैं देखूंगा अच्छे से दिखाऊंगा सभी लोगों को। भाई एक दिन तो ये सपना मैं पूरा करके रहूंगा। पारस भैया तो उस साइड में है भैया का तो ड्रीम पूरा हो चुका है। ये ब्लॉग भी देखेंगे पारस भैया ऐसी बात नहीं है। बाकी गाड़ी ना बहुत मस्त लग रही है। अभी दिन में होता है मैं रात में देखता हूँ पॉसिबल हो सके तो मैं आराम से मैं रील्स वगैरह शूट करने का प्रयास करूँगा। भाई साहब बिल्कुल एकदम छोटी सी दिख रही है गाड़ी एकदम बिल्कुल छोटी सी बहुत प्यारा सा है सच में बताएं तो। देख लो आप लोग मैं चारों तरफ से दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस अभी मैं बैठा हुआ है शोरूम में और ये मेरे लिए सपना सा लग रहा है कि कभी तो आपका राजा भाई का टाइम आएगा। बस मेहनत आएगा नहीं बस काम कर रहा हूँ अपने फैमिली के लिए आप लोग के लिए सपोर्ट बनाए रखना तो कभी ना कभी अचीवमेंट करेंगे। बाकी बहुत सो हम्बल है पारस भैया बहुत अच्छा लगा। एक कहते हैं ना कि मतलब क्रिएटर के अंदर वो चीज़ें होना चाहिए जो नॉर्मलता हर इंसान के अंदर होता है कि एक इंसान की पहचान दूसरे इंसान से हो वही चीज़ें हैं। तो मस्त अभी भैया थोड़ा बाहर गए हैं ऑडी को शायद राइडिंग करने के लिए तो आ रहे हैं तो फिर मस्त वाला बैठ के चलेंगे ब्लॉग व्लॉग बनाएंगे। बाकी आप लोग कैसा लग रहा है कि जिसको आपके राजा ब्लॉग देखते थे उनके साथ में कोलैब्स हो रहे हैं बातचीत हो रहे हैं तो एक अलग ही लेवल होता है मतलब मज़ा आता है कि हाँ सही है अपने जीवन में बढ़ रहे हैं आगे
और लोग आपके बारे में जिसको आप देख रहे हो इंस्पिरेशन मानते हो वो सामने आकर आपके बारे में बोलता हो तो और भी बेटर फील होता है। बाकी मैं दो तीन दिन से आप लोगों को बोर कर रखा हूँ एक ही प्रकार का ब्लॉग ब्लॉग बना बना के मैं घूम रहा हूँ। बाकी आज डेली फैमिली ब्लॉग आप लोग देखते रहे तो आज मैं कुछ आपको अलग दिखाने का प्रयास करूँगा और ऑडी चलाऊँगा मैं और पारस भी ऐसे प्रैंक करने वाला हूँ कि ये ऑडी मुझे दे दो कैसा उनका रिएक्शन रहता है मैं उसे ऑन कैमरा में बोलूँगा है ना। पारस भैया ना मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ चलाए हैं मतलब उनका समझिए अनगिनती कभी एक थार तो कभी बहुत सारी चीज़ें मर्सिडीज ये सब चीज़ें आते रहता है तो आज मैं उनसे ऑडी मांग लूँगा आपका राजा ब्लॉग। तो वही फाइनली निकल रहा है पारस भैया के साथ में तो भैया इसके पीछे के दरवाजे नहीं क्या आगे नीचे पीछे से सर बैठ रहा है ठीक है इसके पीछे को दरवाजा नहीं है ये पीछे जगह ही नहीं है पीछे हाँ बिल्कुल भैया बीच में। तो गाइस ये ऑडी आ रही है मैंने काफी सारे व्लॉग में भैया को मैं देखा हूँ चलाते हुए। पारस भैया ये गाड़ी मेरे को चाहिए मैं बिहार लेके जाना चाहता हूँ। ये जाएगी नहीं बिहार तक कहीं ना कहीं नीचे लग जाएगी। अच्छा क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है ना। जी बहुत कम है। अच्छा नहीं अगर पर्सनली मैं मांगू चलाने के लिए दिल्ली में बोल आपको काम चलाइए पहले स्पोर्ट्स कार नहीं कभी नहीं चलाई भैया मैं ऐसे बोल रहा हूँ मैंने लोगों को बोला तो भैया के साथ प्रैंक करूंगा मैं देखता हूँ अगर चलेगी अगर चलाएंगे तो चला लो मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं भैया हम तो नहीं चल पाएगा बाइक होता तो मैं चला लेता ये चीज लेकिन लेकिन कभी भी लूंगा तो मैं आपसे राय जरूर लूंगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल कभी मर्जी। भाई मजा आ गया ऑडी में चढ़ के। सच बताएं ना आपको अभी हमें कहीं और भी जाना है एक भैया हैं उनके पास में चले तो गाड़ी यहाँ पे लग गए। पारस भैया जा रहे हैं अंदर तो हमें भी निकलना है अपने रूम के लिए। बहुत अच्छा लगा भैया मिलकर के एक बड़े भाई की तरह प्यार दिया आपने। थैंक यू कभी भी आना बिल्कुल एनी टाइम वेलकम। अरे भाई पैर में चित्र वाला नहीं है यार छोड़ थैंक यू सो मच भैया। ठीक है भाई नेक्स्ट टाइम कभी मिलता हूं कभी भी आना एनी टाइम वेलकम भाई कभी भी आना। ओके भाई आप कैसे हैं जी बिल्कुल 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 नहीं भैया से मिलने के लिए हम आज बहुत धन्यवाद अमित जी मेरे लिए तो जीवन भाग्य हो गया और क्या कहूँ आशीर्वाद मिल गया आपका जी बिल्कुल 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 जी 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 आवाज़ कम आ रही है क्या। हाँ सब ठीक है बस आपके आशीर्वाद से मम्मी वगैरह छुट्टी भी चाहिए जी मम्मी कभी आइए ना आप बिहार साइड आइए ना कभी भाई सेवा करने का बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक है ना। हाँ भैया से भी मिले बहुत खातिरदारी की है बहुत अच्छे एकदम बड़े भैया जैसे हैं एक एक चीज़ें पूछा हमने जी बिल्कुल 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 मेरे लिए सौभाग्य की बात है जी ठीक है अपना ख्याल रखिएगा मैं जा रहा हूँ जिम जिम जा रहा हूँ ओके 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 तो मैं तो दो अपना खुशी मिल गया पारस भैया की मम्मी की आशीर्वाद मिल गया बहुत बड़ी बात है देखते हैं ना वो तुम।